आज मैं डायबिटीज़ इंडिया 2023 के मन से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी रूटीन प्रैक्टिस में बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जिसको हम शुगर के लिए ट्रीट तो करते हैं, लेकिन उनके टाइट शुगर कंट्रोल करने के लिए हम इतना सीरियस नहीं होते। हम कभी कभी सोच लेते हैं कि पहले से तो शुगर कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन हम वही दवाइयों पे उनको कंटिन्यू करते हैं। हमको शुगर के द्वारा होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनसे बचाने के लिए हमारे मरीजों को उनके टाइट शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जो यंग पेशेंट्स है उनका टाइट शुगर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। हम ये बात बहुत ही एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हम एक ग्लास में चीनी डालते हैं और चीनी डालते ही जाएंगे तो वो पानी धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा, वैसे ही वो चीज़ हमारे खून में होती है। खून में हमारा शुगर जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारा खून भी वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा। खून जितना गाढ़ा रहेगा उतनी उसमें शरीर में घूमने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और खून का जो बेसिक काम है शरीर को ऑक्सीजन देना, हम खुराक में से जो भी कुछ पोषण ले रहे हैं उसको हमारे शरीर के सारे अंगों को पहुंचाना, अगर खून ही हमारे शरीर के अंगों में छोटी छोटी धमनियों में बराबर नहीं घूम पाएगा तो वो वहाँ पे पोषण कैसे पहुंचाएगा। और इसी के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंग दूसरा या तीसरा रास्ता अपना के भी खुद का काम चलाते रहता है, और उसके कारण उसको अंदर से थोड़ा 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 नुकसान होता रहता है, और वो नुकसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो हमारे अंगों को ख़राब करता है, जिसको हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के नाम पे पहचानते हैं, जैसे कि हमारी आंखें ख़राब हो जाना, गुर्दों में नुकसानी होनी, पैरों की नसें सूख जानी, दिल की तकलीफ़ होनी, दिमाग की तकलीफ़ होनी और बहुत सारी तकलीफ़ें। डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो सिर से लेकर पैर तक हर अंग को नुकसान पहुँचाती है। डायबिटीज़ एक दिमाग की तरह काम करता है, वो बाहर से आपके शरीर पर कुछ असर नहीं दिखाता है, लेकिन वो अंदर से आपके शरीर को खोखला करता जाता है। इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि हम पहले से ही डायबिटीज़ को बहुत ही टाइट कंट्रोल में रखें। कभी कभी हम ये चीज़ बहुत ही सामान्यतः सुनते हैं कि पेशेंट हमको ये बोलता है कि मुझे कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही है तो मैं ऐसा क्यों करूँ, तो हमें उनको ये चीज़ समझानी है कि इसको कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उससे हम बच सकें। नहीं तो आगे जाके आप डायबिटीज़ की भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, किडनी ख़राब हो रही हो उसकी भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, आंखें ख़राब हो रही हो उसकी भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ घूमते ही चले जाते हो और साथ में आपका जो रूटीन लाइफ है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इस वीडियो के दौरान आशा करता हूँ कि ये डायबिटीज़ के रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस है उसको हमें और आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा सा प्रयत्न करें। शुक्रिया।